गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह लहर मिशन का 15वां वार्षिक समागम कोलसर गुफा, जिसे मांडवशिला भी कहा जाता है, में शुरू हो गया। समागम की शुरुआत गुफा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ के साथ की गई। कार्यक्रम से पहले स्कूली बच्चों के बैंड की थाप पर गुरु ग्रंथ साहिब की भव्य पालकी को कोलसर गुफा तक पहुंचाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की एक सुंदर सुशोभित पालकी में शोभा यात्रा निकाली गई। गुरु गोविंद सिंह पब्लिक हाई स्कूल के बैंड के साथ गुरुवाणी का गायन करते हुए समागम स्थान पर पहुंची। इस कार्यक्रम में मंडी, सुंदरनगर, नेरचौक, सराज, जोगिंदरनगर, द्रंग आदि स्थानों से आए लोगों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें, सन 1999 से इस स्थान पर मिशन यह धार्मिक आयोजन करता आ रहा है। इस स्थान पर जहां मांडव ऋषि ने तप किया था, वहीं पर राजा सिद्धसेन के समय श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने मंडी प्रवास के दौरान स्थान पर नित नियम किया करते थे। 6 महीने 18 दिन मंडी रहने के बाद जब गुरुजी वापस जाने लगे तो राजा सिद्धसेन ने गुरुजी से पूछा कि कहीं आपके जाने के बाद औरंगजेब उन्हें परेशान तो नहीं करेगा। इसके बाद गुरुजी ने उन्हें क्या कहा बता रहे हैं गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह लहर मिशन से जुड़े कार्यकर्ता। जब राज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहब की धरती वापस जाने की तैयारी कर रहे थे तो राजा सिद्ध सैन जी के मन में एक चिंता आई कि गुरु जी आपके जाने के बाद औरंगजेब मैनू तंग तानी करेगा। उस वेले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी को एक सेवादार ने एक बंदूक भेंट की थी। गुरु जी उस बंदूक को टेस्ट कर रहे थे। एक मिट्टी की हांडी पानी में तैर रही थी, उसके ऊपर गुरुजी ने निशाना लगाया। वो मिट्टी की हांडी टूटी नहीं, फूटी नहीं, उल्टा होके तैरने लगी। तो महाराज जी ने राजा सिद्ध सैन को वर दिया कि राजा, जैसे बची है मिट्टी की कच्ची हांडी, ऐसे बची की तेरी मंडी। मंडी को जो लूटेगा आसमानी गोला छूटेगा। ये बहुत पवित्र धरती है। 1999 में जब पूरे संसार में खालसा सृजना दिवस का 300 साल मनाया जा रहा था, उस वक्त मांडव ऋषि और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की ऐसी प्रेरणा मिली कि गांव में बसने वाले सिखों ने को प्रेरणा मिली कि आप एक संस्था बना के गांव-गांव में सिक्खी का प्रचार करें। हम सिक्खी का प्रचार गांव-गांव में जाके गांव में बसने वाले सिखों में कर रहे थे। तो एक दिन हम जब यहां से गुजर रहे थे तो एक आवाज़ मन से आई कि क्यों ना एक प्रोग्राम यहाँ भी किया जाए। जब यहाँ संगत के 4-5 लोग पहुँचे तो यहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए थे और इस पवित्र गुफा जहाँ ऋषि मांडव ऋषि जी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने चरणों से पवित्र किया था, उसके ऊपर खालसे का निशान झूल रहा है, लेकिन नीचे इतनी गंदगी थी कि बहुत बुरे हाल थे। संगतों ने विचार किया कि ऋषि महाराज और गुरु गोविंद सिंह महाराज का उपदेश है संगतों को यहाँ की पवित्रता को बाहर रखने के लिए यहाँ एक प्रोग्राम किया जाए। उस भगत से लेके अब ये 15वां समागम जो हम कर रहे हैं, ये उसी कृपा है वाहेगुरु की। हम हर साल करते हैं, संतों का सहयोग मिलता है। यह थी खबर मंडी से, जहां गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह लहर मिशन द्वारा 15वां वार्षिक समागम कोलसर की गुफा में शुरू हुआ। इस आयोजन में मंडी, सुंदरनगर, नेरचौक, सराज, जोगिंदरनगर, द्रंग आदि स्थानों से आई संगतों ने हिस्सा लिया। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन सोनू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।